बागेश्वर धाम गढ़ा में 1-8 मार्च तक भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियों को भी भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 40 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कथा पांडाल जो कि काफी भव्य होगा और 100 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। इसके अलावा 45 एकड़ में कथा पांडाल और प्रदर्शनी आदि लगाई जाएगी। साथ ही साथ लोगों के भोजन के लिए 30 एकड़ में अन्नपूर्णा भंडारा संचालित होगा। 20 एकड़ के मैदान में पेयजल सुविधा और NRI मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। यहां पर पहुंचने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए 50 फीट चौड़ी रोड बनाई गई है और कथा स्थल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते भी हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्होंने उपलब्ध कराई। व्यवस्थाओं में एक सबसे अद्भुत बात यह है, पिछली बार जो लोकल के लोगों को दिक्कत हुई थी 3 किलोमीटर पैदल चलने की, इस बार वो चीज़ हमने ख़त्म की। 40 एकड़ की पार्किंग कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर सामने कर दी। कार्यक्रम स्थल दरबार हॉल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। 100 एकड़ में कार्यक्रम स्थल है, 45 एकड़ में कथा एवं प्रदर्शनी रखी जाएगी, 30 एकड़ में अन्नपूर्णा भंडारे की व्यवस्था है, 20 एकड़ में लगभग पानी की व्यवस्था और NRI फॉरनर विदेशियों को रुकने की व्यवस्था दी गई है, और 40 एकड़ में अलग से पार्किंग दी गई है, अलग से रोड डलवाया गया 50 फीट चौड़े रोड, 3 आने के रास्ते बनाए गए हैं, 1 वन वे बनाया गया है। गंज छतरपुर से आप बागेश्वर धाम पर कार रोककर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वन वे के माध्यम से कौड़ा होते हुए गंज मार्ग पकड़ते हुए आप मेन फोल लाइन को पकड़ पाएंगे। ये व्यवस्था अभी बनाई गई है। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में टेंट लग रहा है। 2 लाख वर्ग फीट में कन्या विवाह कार्यक्रम स्थल का टेंट है और लगभग 1 लाख वर्ग फीट का टेंट भंडारे के लिए एवं शिष्य मंडल 27 जिलों के मंडल बागेश्वर धाम पर सेवा देंगे, जिसमें पानी की व्यवस्था, 3 जगह शरबत की व्यवस्था, 2 जगह चाय की व्यवस्था, 1 जगह तिलक लगाने की व्यवस्था, 2 जगह भंडारे की व्यवस्था, 108 कुंडीय यज्ञ का यज्ञशाला, यज्ञ के यजमानों की व्यवस्था एवं मंदिर दर्शन की व्यवस्था के लिए लगभग 1500 मंडल यहाँ 7 दिन रुक करके सेवा करेगा। वर्तमान में हमारा जो आकलन है पर डे के हिसाब से 1-1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, और 8 मार्च को हमको पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार लगभग 5 लाख लोग, एक अनुमानित से 5-8 लाख लोगों ने प्रशासन ने बताया था। इस बार हमने एक सिस्टम को कहा है टावर सिस्टम को कि आप हमको मोबाइल के फोन सेल गिन करके बताएंगे तो हम आपको काउंट भी बता देंगे उसी दिन कि आज इतने मोबाइल यहां पर एक्टिव रहे, मतलब इतने लोग यहां पर आए, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। लेकिन लगभग 10 लाख लोग 8 मार्च को आने की संभावना है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तो तीनों जिले आ रहे हैं। सुरक्षा में आज प्रशासन के साथ में बैठक तय हुई है, अभी हमारे पास में सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई है, अभी हमारे साथ में कोई कलेक्टर महोदय से भी बैठक नहीं हुई है। कलेक्टर महोदय बहुत सपोर्टर हैं, धाम की व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं। हमारे ज़िले के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अस्पताल के लिए उन्होंने बहुत काम किया, ट्राइबल एरिया के लिए हमारे प्रिय और बागेश्वर धाम के भी बहुत ही प्रिय और पूरे ज़िले के चहेते कलेक्टर श्री संदीप GR साहब ने बहुत कार्य किया, उनकी शैली बहुत अद्भुत है। हमारी बैठक एक बार हो चुकी है, दोबारा बैठक उनके साथ होनी है और पुलिस अधिकारियों के साथ हम 5 दिन के अंदर बैठक करके उसका बना देंगे। एक 5 मिनट का वीडियो है, हमने 3D बनवाया हुआ है पूरे कार्यक्रम का, मेला सहित आप लोगों के व्हाट्सएप पर अवस्थी जी के द्वारा एवं हमारे बागेश्वर धाम के प्रिय निशु के द्वारा आप सबके व्हाट्सएप पर हम डलवाएंगे, जिसमें मैप पहले से ही बना दिया कि आपको कहां से आना है, कहां जाना है और क्या क्या करना है। पूरी एक हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर टीम हैक की है, वो इसको करवा रही है।